आज उत्तराखंड जन एकता पार्टी को चुनाव चिन्ह सिलेंडर मिलने पर पार्टी कार्यकर्ताओं में काफी जोश देखने को मिला। पार्टी द्वारा तय कार्यक्रम में काफी संख्या में लोगों ने शिरकत की, जिसमें रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। उजपा केंद्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व पर्यटन मंत्री दिनेश धैन ने कहा कि सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिलना हमारी पार्टी के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि सिलेंडर चुनाव चिन्ह पर मैं निर्दलीय विधायक भी चुना गया था। पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी 10% यानी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके सकारात्मक परिणाम जनता के आशीर्वाद से देखने को मिलेंगे। इस मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। जनता समझदार है, गैस भारत सरकार के अधीन है। आपने देखा इस समय हिमाचल में 3-4 सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल हारी और भारतीय जनता पार्टी ने 10 से 12 रुपए पेट्रोल और डीजल के दाम में कम किए, गैस में कम किए। तो निश्चित तौर पे देश की जनता को पता है कि ये जो तो चुनाव चिन्ह है, जो अर्थव्यवस्था भारत सरकार चलाती है, भारत सरकार चलाता है। लेकिन ये सिलेंडर जो हमको मिला, ये मैं 3 बार मुझे चुनाव चिन्ह मिला है और 2 बार मुझे लॉटरी से ये चुनाव चिन्ह मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि मेरे लिए भी एक गर्व की बात थी और मेरे क्षेत्र के लिए भी। और आज हमारी उत्तराखंड जन एकता पार्टी का जो प्रतीक है वो गैस का चुनाव चिन्ह है और हमको मिला है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक फख्र की बात है और हम लोग इसमें अपनी आधी जीत महसूस कर रहे हैं। देखिए, रणनीति हमारी यही थी कि हमको जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन कमीशन हमको सिंबल मिले, और आज हम उस रणनीति में सफल हुए। हमको भारत निर्वाचन आयोग ने हमें चिन्ह आवंटन किया, जो कि हर राजनीतिक दलों की एक शक्ति होती है, क्योंकि उस शक्ति के माध्यम से जनता के बीच में जाती है और ये शक्ति उनकी पहचान कराती है। तो ये चुनाव चिन्ह मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमको समय से पूर्व। ये चुनाव चिन्ह हालांकि टिहरी विधानसभा तो पूर्व से जनता इस चुनाव चिन्ह से परिचित थी, लेकिन अब एक नए रूप में एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ हर कार्यकर्ता कह सकता है, क्योंकि जब निर्दलीय आदमी चुनाव लड़ता तो वो केवल आचार संहिता के बाद, नामांकन के बाद ही चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाता है। लेकिन अब आज हमारे पास ये चुनाव चिन्ह है, हम इसको जगह जगह घर घर हम इस चुनाव चिन्ह तो पहुंचा हुआ, लेकिन इसको पुनः इसको इसकी इसकी हमने इसको एक बार फिर रिपीट करना है जनता के बीच में कि ये हमको परमानेंट हमको ये चुनाव चिन्ह आवंटन हो चुका है और हम इस चुनाव चिन्ह हमारा जो है ये विकास का प्रतीक होगा। ये आम आदमी का जो सबसे अंतिम पायदान पे ये उसको ताकत देने का काम करेगा और इस क्षेत्र में जो हम विकास में हम जो पिछड़ गए थे इन पंचवर्षीय योजनाओं में, हम इस चुनाव चिन्ह के माध्यम से वो विकास पुनः पट्टी पर लाएंगे, धरातल पर वापिस लाएंगे, यही हमारा प्रयास होगा। देखिए, बड़ा ही सरल चुनाव चिन्ह है, हर घर से जुड़ा हुआ चुनाव चिन्ह है और मुझे लगता है 2022 में ये जो चुनाव चिन्ह है कहीं ना कहीं एक निर्णायक भूमिका आगामी 2022 चुनाव में ये चुनाव चिन्ह निभाएगा और ऐतिहासिक होगा। जितनी भी चीज़ें जो संरचना हो रही है, नए दल का बनना, प्रदेश में एक ऐसी स्थिति का पैदा होना जहां पर लोग दोनों ही राष्ट्रीय दलों से विमुख हो रखे हैं, उनसे त्रस्त हो रखे हैं, और एक नए दल का उजागर होना, नए दल का उभरना, मुझे लगता है बड़े ही सकारात्मक संदेश हैं, बड़े ही सकारात्मक दिशाएं की तरफ ये पूरा कारवां चल रहा है, जा रहा है। यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।